नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। अपराध शाखा के दल ने दो दिन पूर्व चित्रा चौक परिसर में जाल बिछाकर दो युवकों को पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि पवन देशमुख मध्य प्रदेश के बॉर्डर से यह पिस्तौल लाया था। वैसे यह पिस्तौल राजस्थान के अजमेर से खरीदी गई थी। यह पिस्तौल किसने दी और किसे बेची जा रही थी, इस बात का पता पुलिस लगा रही है। दोनों ने 30,000 रुपए में पिस्तौल बेचने का सौदा भी तय किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान पिस्तौल की खरीद फरोख्त किसी बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए किए जाने का अनुमान पुलिस को है। नाकाबंदी के दौरान आरोपी पवन राजाभाऊ देशमुख, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद जमील, इन आरोपियों को संदिग्ध अवस्था में हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान एक देशी बनावट की पिस्तौल तथा 4 जिंदा कारतूस, बड़े चाकू के साथ बजाज एवेंजर मोटरसाइकिल क्रमांक MH 27, AU 3820, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल क्रमांक MH 32, G 3261, ऐसा कुल 85,900 रुपए का माल पुलिस ने जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ शहर कोतवाली पुलिस ने आर्म एक्ट व धारा 135 महाराष्ट्र पुलिस कानून के तहत कार्रवाई की। आरोपियों से पिस्तौल के सौदागरों की जानकारी पुलिस हासिल करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। अहो, ऐकलत का? अगं काय झालं? अहो, नळ गेलाय, पिण्याचं आणि वापरायचं एक थेंब पाणी नाही। अगं घाबरू नकोस, शिवनेरी बोरवेल आहे ना, हागे फोन नंबर 9422155278 आणि 9021318383। अगदी थोडा वेळात आपल्या दारात शिवनेरी बोरवेल, राजापेट चौक, गद्रे मोटर्स जवळ, बडनेरा रोड, अमरावती। अति योग्य भावात मोटर फिटिंग सहित उपलब्ध शिवनेरी बोरवेल।